इंदौरा क्षेत्र में मन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहाँ विभाग द्वारा बार बार कार्रवाई के बावजूद अवैध वन कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा। वन माफिया यहाँ इतना बेखौफ है कि अब वे वन रक्षकों पर हमला करने तक के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खंड इंदौरा के अंतर्गत राजगीर बीट में गत रात पेश आया, जहाँ वन रक्षक विनय कटोच इंदौरा के गांव सजवा में सड़क के साथ लगते जंगल में नाले की तरफ खैर के तीन मोछे पड़े हुए थे, जिस पर उन्हें शक हुआ। जब वे जंगल में थोड़ा आगे जा ही रहे थे कि झाड़ियों में छिपे वन माफिया का एक व्यक्ति अचानक डंडे से रविंदर कुमार पर वार करने का प्रयास करने लगा, लेकिन अन्य वन रक्षकों ने उसे पकड़ लिया। उक्त आरोपी ने वन रक्षकों से हाथापाई कर भागने का प्रयास किया, लेकिन वन रक्षक दल को पीछे से बैकअप दे रही टीम वहां पहुंच गई और आरोपी को पकड़ लिया। इतने में जंगलों में कटान कर रहे मन माफिया ग्रोह के अन्य सदस्य शोर सुनकर अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले ही वन अधिकारी से मारपीट मामले में इंदौरा न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। बावजूद इसके वन माफिया सबक लेने की बजाय अवैध कटान कर रहा। स्टाफ जो है वो गश्त करता है, गश्त के दौरान हमारे स्टाफ ने एक तो तीन मोछे यहाँ पे पड़े हुए देखे, और उसके बाद उनको शक हुआ तो देखा उन्होंने एक आरोपी जो वहां पे छुपा हुआ था, उसने एक हाथ में बहुत बड़ा डंडा लिया हुआ था और वो उसने उनके ऊपर प्रहार भी किया मारने के लिए। लेकिन तब तक दूसरे जो स्टाफ के सदस्य थे वो इनके ऊपर टूट पड़े आरोपी के ऊपर और इसको पकड़ लिए मौके पर ही। स्टाफ से हाथापाई भी की और जो बाकी लोकल इसके साथ आरोपी जुड़े हुए थे वो अंधेरे का फायदा उठा के मौके से फरार हो गए, लेकिन हम शीघ्र ही उनका पता लगा लेंगे और उनको भी पकड़ लेंगे। जहाँ पे मौका देखा उस पे 9 पेड़ खैर के काटे हुए थे, जिसके 36 मोछे बने हुए हैं और इसकी कीमत 3.25 लाख के करीब है। विभाग ने इसके 32-33 धारा लगा के इसके ऊपर जो मामला पुलिस के हैंड ओवर कर दिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और बाकी माल जो जब्त करके अपने रेंज कार्यालय में इसका रख लिया जाएगा। सरकार से ये एक दरख्वास्त है कि हमारे स्टाफ को हथियार व लाइसेंस जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, ताकि हम चोरों को शीघ्र अति शीघ्र पकड़ सकें। आपको लाइसेंस और हथियार जो है वो मुहैया कराए जाएं, ताकि रात को गश्त के दौरान जैसे इन्होंने हमारे स्टाफ पर हमला किया है उसके लिए ये मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। गगन ललगोत्रा, दिव्या पंजाब टीवी, इंदौरा।